अच्छा, जैसे कि हम कराची में रहते हैं तो हम इंसान के बच्चे नहीं होते, हम जैसे हम दूसरे मुल्क चले जाते हैं तो हम वहाँ सफाई रखते हैं, हर जगह जो ना साफ सुथरा रखते हैं, और अपने मुल्क में आगे गंदगी करते हैं, ऐसा क्यों है? असल में इसलिए होता है कि देखें, बाहर के मुल्कों में या शहरों में जो होता है ना, वहाँ डंडा पड़ता है, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ जुर्माना आयद कर दिया जाता है। कोई भी आप गिल्टी करते हैं, कोई भी आप मिस्टेक आपसे होती है, तो वो उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ती है। और वहाँ चूंकि कानून की बालादस्ती है, तो जिस कौम के अंदर, मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती होगी और इंसाफ की फरावानी होगी, तो वहाँ पर कोई शख्स भी मुजरिमाना जहन भी रखता हो, तब भी वो जुर्म करने से पहले 1000 दफ़ा सोचेगा। हमारे यहाँ मसाइल कुछ और हैं। हमारे यहाँ मतलब मुजरिम जो है वो बासानी रिहा भी हो जाते हैं, और कानून की बालादस्ती जिस कदर होनी चाहिए थी, जिस तरह से होनी चाहिए थी, वैसी है नहीं। तो आप रिश्वत सतानी के मामलात हैं और दूसरे मामलात की वजह से ये सिस्टम यहाँ चूंकि इतना मजबूत नहीं है, इस वजह से यहाँ पर कुछ भी आप गलत करना चाहें तो कर सकते हैं, पकड़ धकड़ इतनी है नहीं सर। अच्छा, कराची में जब भी बारिश होती है, हालिया बारिश में आप देख लें, इससे पहले देख लें, जब भी बारिश होती है कराची डूब जाता है, ऐसा क्यों? लेकिन जिस ज़्यादा पानी आएगा तो ज़्यादा बारिश होगी, तो ज़्यादा पानी आएगा, वो तो आपको आपके लीडरान बता चुके हैं ना। तो डूबेगा ना, असल में मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया ना, ये बारिश आपको नहीं डुबोती है, ठीक है ना। बेसिकली आप अपना रहनुमा जब चूज करते हैं, उसी वक्त फैसला हो जाता है कि आपने आपने डूबना है या उभरना है, आपने तरक्की करनी है या आप जवाल का सामना है। तो ये जो फैसले की घड़ी होती है ना मेरे भाई, जिस वक्त, उस वक्त आवाम को सोचना चाहिए। जैसे अभी बल्दियाती इलेक्शन भी आने वाले हैं, इस तरह जनरल इलेक्शन भी आएंगे, अवाम उस वक्त चूज करे ना। अभी कोई महंगाई का रोना रो रहा होता है, कोई इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं उसका रोना रो रहा है, किसी के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है वो उसका रोना हो रहा है। लेकिन देखें, हर 4 साल 5 साल के बाद आवाम को एक मौका मिलता है कि वो सही नुमाइंदा इदारों में भेजें, असम्बलियों में भेजें, बल्दियाती इदारों में भेजें। तो जब आप सही पर्सन चूज करके भेजेंगे तो यार वो ऑटोमेटिकली सही काम करेगा। आपको पता है कि जिसको आप वोट दे रहे हैं, आपको पता है वो ईमानदार नहीं है। जिसको आप वोट दे रहे हैं, आपको पता है कि आप वो ईमानदार नहीं है, वो गड़बड़ करेगा, और गड़बड़ कर रहा होता है। और हम खुशी खुशी मतलब जो है ना, उसको वोट भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, नोट भी देते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं, वक्त भी निकालते हैं, जान माल वक्त लगाते हैं, विलिंगली लगाते हैं। तो भाई, जब शहरी विलिंगली एक रॉन्ग पर्सन के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जिसके बारे में उसको खुद भी अंदाज़ा होता है, उसके ज़मीर से पूछ लिया जाए तो वो ज़मीर उसकी गवाही दे देगा कि ये बंदा जो है ना आपके मसाइल को हल नहीं कर सकता, फिर भी आप उसको चूज़ करते हैं। तो आप तो खुद अपनी मर्जी से करते हैं ना, इसमें किसी को जिम्मेदार, लीडरों को जिम्मेदार ठहराना, वो तो बेचारे खुद आपके दरवाजे पर आते हैं, वो आपके दरवाजे पे आते हैं, आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पांव पड़ते हैं, आपको समझाते हैं, बुझाते हैं। मतलब वो वक्त होता है कि आपने राइट डिसीजन लेना है।